गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मैथ में इंटरनेशनल नंबर्स। इस वीडियो से पहले हमने नंबर सिस्टम की दो वीडियो की थी, जिसमें हमने बात की थी नंबर सिस्टम के बारे में, इंडियन नंबर्स के बारे में, ठीक है। तो इस वीडियो से पहले वो वीडियो जरूर देखना। तो अब बात करते हैं इंटरनेशनल नंबर्स की। इंटरनेशनल नंबर्स के लिए मैंने एक चार्ट बनाया, ठीक है, जो मैं आपको साथ-साथ में समझाऊंगा, ठीक है। तो ये चार्ट है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू का चार्ट। जैसे हमने इंडियन प्लेस वैल्यू का चार्ट बनाया था, वैसे ही इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू का चार्ट है। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि इंडियन नंबर्स और इंटरनेशनल नंबर्स में क्या डिफरेंस था, ठीक है। तो डिफरेंस यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्या था, वंस इंडियन नंबर्स में और यहाँ पे थाउजेंड्स। अब डिफरेंस इसमें क्या है कि क्या है, वंस में तीन थे, वंस टेन्स और हंड्रेड्स, ठीक है। तो ये थे। अब थाउजेंड्स में क्या है, इसमें एक चीज और ऐड होगी, थाउजेंड्स, टेन थाउजेंड और हंड्रेड थाउजेंड। इसमें क्या ऐड हुआ है हमारा, हंड्रेड थाउजेंड और यहाँ पे हंड्रेड मिलियन, हंड्रेड बिलियन, मतलब इसको हंड्रेड में भी काउंट किया जाता है, ठीक है। तो अब इसको सबसे देखते हैं, वंस, वंस में क्या है, वंस, टेन्स और हंड्रेड, ओके। तो वंस में मैंने इंडियन नंबर में बताया कितनी डिजिट होती है, एक डिजिट होती है, ठीक है। जैसे मैं वन लिखूं तो ये कितनी डिजिट है, एक डिजिट। उसके बाद अगर मैं टेन्स लिखूं, टेन्स में कितनी डिजिट है, टू डिजिट, ठीक है, कितनी, टू डिजिट, वन टू, टू डिजिट। उसके बाद अगर हंड्रेड लिखूं, हंड्रेड में कितनी डिजिट होगी, तीन डिजिट, ओके। तो ये वंस का पोर्शन। उसके बाद हम बात करते हैं थाउजेंड्स की। थाउजेंड्स की जैसे थाउजेंड में, वन थाउजेंड में कितनी डिजिट होती है, वन टू थ्री फोर, कितनी डिजिट होगी, फोर। उसके बाद अगर मैं बात करूं टेन थाउजेंड की, टेन थाउजेंड में कैसे लिखोगे आप, टेन थाउजेंड की कितनी डिजिट होती है, फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव डिजिट। इन डिजिट्स का आपको ध्यान रखना होगा कि किस में कितने डिजिट्स होती है, ठीक है। उसके बाद हंड्रेड थाउजेंड में बात करेंगे, तो हंड्रेड थाउजेंड आप कैसे लिखोगे, ऐसे कि ये हंड्रेड थाउजेंड है, ठीक है। तो उसमें कितने डिजिट होंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ओके। उसके बाद बात करते हैं हम मिलियंस की। मिलियंस के बाद बात करेंगे बिलियंस की। सबसे पहले करते हैं मिलियंस। मिलियंस में वन मिलियन होता है, जो वन मिलियन, और ये वन मिलियन, टेन मिलियन, मिलियन और हंड्रेड मिलियन। वन मिलियन में कितनी डिजिट होती है, वन मिलियन, मिलियन में होती है सेवन डिजिट्स, कितनी, सेवन डिजिट्स, ठीक है। वन मिलियन ऐसे लिखा जाता है, सेवन डिजिट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। अब देखो यहाँ पे कॉमन नंबर देखो क्या था, जैसे इंडियन नंबर हमने किया था कि सेवन डिजिट फिफ्थ में होती थी, ठीक है, आपको याद हो तो सेवन डिजिट होती थी टेन लैख में, ठीक है, इसमें टेन लैख में, वन लैख में सिक्स डिजिट होती थी। तो इसका मतलब है कि टेन लैख का जो एक मिलियन बनता है, ठीक है, कितने का, टेन लैख का, ठीक है। अगर मैं कह दूं कि टेन लैख, टेन लैख कैसे लिखोगे आप, ठीक है, कैसे लिखोगे, ऐसे। तो ये क्या हुआ, टेन लैख, और ये क्या हुआ, वन मिलियन। तो मिलियन में सबसे पहले कॉमन लगते हो तीन तीन डिजिट छोड़ के, बट जो लैक्स में, जो इंडियन नंबर में, वो पहले तीन डिजिट छोड़ी जाती है, बाद में टू टू डिजिट छोड़ी जाती है, ओके। उसके बाद अगर बात करते हैं टेन मिलियन की, टेन मिलियन में कितनी डिजिट होती है, एट डिजिट, एट डिजिट। इसका मतलब क्या है कि एट डिजिट, एट डिजिट में आप देखो ये किसके बराबर होगा, इंडियन नंबर सिस्टम में किसके बराबर होगा, वन करोड़ के, कितने, वन करोड़ के, ओके। तो वन करोड़ कैसे लिखोगे आप, सबसे पहले तीन डिजिट छोड़ के कॉमन लगाओगे, उसके बाद टू डिजिट छोड़ के, उसके बाद टू डिजिट छोड़ के, ठीक है। तो कितनी होगी ये, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन होगी। तो हमने कितनी डिजिट करनी है, ठीक है, कितनी डिजिट करनी है, एट डिजिट। तो ये हो गया, ठीक है, तो ये हो गया वन करोड़। इसका मतलब जो टेन मिलियन होता है वो वन करोड़ के बराबर होता है, ओके। उसके बाद बात करते हैं हम हंड्रेड मिलियन की।
हंड्रेड मिलियंस में कितनी डिजिट होंगी? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन. हंड्रेड मिलियन में कितनी डिजिट होगी? नाइन डिजिट्स. ओके, नाइन डिजिट्स. अब इंडियन नंबर्स में किसके बराबर होगी? आपने देखा होगा इंडियन नंबर्स में जो नाइन डिजिट होते हैं वो किसमें होती थी? टेन करोड़ में. कितने? इसमें टेन करोड़ में. तो टेन करोड़ कैसे लिखोगे? पहले थ्री डिजिट छोड़ के कॉमन करो, फिर टू डिजिट छोड़ के, फिर टू डिजिट छोड़ के, फिर टू डिजिट छोड़ के. ठीक है, तो ये बन गया हमारा टेन करोड़. बट हंड्रेड मिलियन हो गया जो टेन करोड़ के बराबर होता है. ऐसी तरह टेन मिलियन होता है वो वन करोड़ के बराबर होता है. ओके, तो उसके बाद बात करते हैं हम बिलियंस की. तो बिलियंस में कितनी डिजिट होती है? टेन डिजिट. वन बिलियन में कितनी डिजिट होगी? टेन डिजिट. टेन डिजिट कैसे लिखोगे? थ्री थ्री डिजिट छोड़कर. ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा? वन बिलियन. ठीक है, क्या होगा? वन बिलियन. कितनी डिजिट होगी? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन. ओके, वन बिलियन में कितनी डिजिट होगी? टेन डिजिट. उसके बाद बात करते हैं हम टेन बिलियन की. टेन बिलियन, टेन बिलियन में कितने बिलियन में कितनी डिजिट होगी? इलेवन. वन टू थ्री वन फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन. तो ये क्या हो गया हमारा? वन बिलियन. ठीक है, क्या हो गया? सॉरी, टेन बिलियन. क्या हो गया? टेन बिलियन. उसके बाद हंड्रेड बिलियन में क्या करेंगे? हंड्रेड बिलियन में देखिए कितने डिजिट्स हैं? ट्वेल्व डिजिट. तो ट्वेल्व डिजिट होंगे, ये कितनी है? इलेवन. अगर मैं एक डिजिट यहां पे ऐड कर दूं तो ये क्या हो गया? हंड्रेड बिलियन. ओके, उसके बाद हम बात करते हैं कि इन नंबर्स को इंटरनेशनल नंबर्स में कैसे लिखा जाता है. तो ये आपने चार्ट समझा, इसके बाद हम कहेंगे इनको कैसे समझते हैं. तो मैं कोई नंबर लेता हूं, ठीक है, ये चार्ट आपको आपकी बुक में भी मिलेगा, आप वहां से भी इसको अच्छे तरीके से देख सकते हो. अब लेकिन आप सीखेंगे कि इंटरनेशनल नंबर को कैसे लिखा जाता है. कि मैं नंबर लेता हूं सेवन एट फोर सेवन थ्री टू वन. अब देखो सबसे पहले इंटरनेशनल नंबर में जो कॉमा लगता है वो क्या है? कितने डिजिट छोड़ के लगता है? तीन डिजिट छोड़ के. तीन तीन डिजिट छोड़ोगे, ठीक है, तीन तीन डिजिट छोड़िए, एक दो तीन, एक दो तीन, और ये बन गई अलग से. अब आपने एक चीज, एक चार्ट को, इस चार्ट को भी ध्यान रखना है कि पहली तीन डिजिट होती है वंस वाली, सेकंड तीन होती है थाउजेंड्स वाली, उसके बाद होती है जो हमारी मिलियंस वाली, ठीक है, उसके बाद होती है जो बिलियंस वाली. ठीक है, इस चीज का हम बार बार प्रयोग करेंगे इन नंबर्स को लिखने में. अब देखो इस नंबर को हम कैसे लिखेंगे? ये होगी हमारी पांच वाली डिजिट्स, ये होगी थाउजेंड्स वाली, और ये होगी मिलियंस वाली. तो इसको लिखेंगे हम सेवन मिलियन, सेवन मिलियंस, सेवन मिलियंस एट हंड्रेड. इसको बोलेंगे हम एट हंड्रेड फोर्टी सेवन, एट हंड्रेड फोर्टी सेवन. ठीक है, फोर्टी सेवन. इसको बोलेंगे हम थ्री हंड्रेड ट्वेंटी वन. सॉरी, इसको पहले कंप्लीट करो. एट हंड्रेड फोर्टी सेवन, एक इसमें थाउजेंड्स में, थाउजेंड्स में. उसके बाद लिखोगे थ्री हंड्रेड, थ्री हंड्रेड ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन. ठीक है, तो ये मैंने लिखा इंटरनेशनल नंबर में इसको कैसे लिखोगे. अब आपने इस चीज का ध्यान रखना कि इसको कई बच्चे लिख देते हैं एट फोर सेवन, ये चीज नहीं लिख रहे, ये गलत होती है. ठीक है, क्या कह लिख देते एट्टी फोर सेवन, ये भी गलत होती है. इसको लिखना एट हंड्रेड फोर्टी सेवन थाउजेंड, किसमें आता है? थाउजेंड्स में. ओके, उसके बाद थ्री हंड्रेड ट्वेंटी वन. ओके, तो ये नंबर हो गया. उसके बाद एक नंबर और लेते हैं हम,
8721321021। ठीक है, ये नंबर ले लिए मैंने। तो इसको सबसे पहले तीन तीन डिजिट छोड़ के कॉमा लगाओगे, 1 2 3। अब देखो ये कौन से हो गए हमारे वंस वाली तीन डिजिट, और ये होगी थाउजेंड्स वाली, और ये होगी हमारी मिलियंस वाली, और ये होगी हमारी बिलियन। उसके बाद आप लिखोगे इसको, अब ये क्या है, 8 बिलियन, एक है 721। किसमें है ये, मिलियंस में, इसके साथ क्या आएगा, मिलियन। उसके बाद है 321। किसमें है, थाउजेंड्स में, तो इसके पीछे लग गया थाउजेंड्स। उसके बाद है, ठीक है, ये क्या है, सीधा 21। ठीक है, तो जीरो लिखने की जरूरत रहती है, तो इसको लिखोगे 21। ओके, तो ये हो गया हमारा 8 बिलियन 721 मिलियन 321,021। तो इसको हमने लिखा इंटरनेशनल नंबर्स में, हमारा इंटरनेशनल नंबर। इससे पहले आपने इंटरनेशनल जो नंबर चार्ट होता है, प्लेस वैल्यू चार्ट होता है, उसको ध्यान से समझना, जो आपकी बुक में है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो में हमारा इंटरनेशनल नंबर। थैंक यू।